हेलो आर्यन। तो देखिए, इस क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला गया, इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस फिगर को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्राइंगल का फिगर गिवन है, यहाँ पर हमें देखिए एक्स, यहाँ पर हमारा अननोन है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अगर देखें, यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या गिवन डेटा है। यहाँ पर देख लें तो हमें साइड जो ए लेन है उसकी लेंथ गिवन है एक्स, और जो साइड ए लेन है ठीक है उसकी लेंथ कितनी गिवन है 7, और जो साइड एम एन है ठीक है उसकी लेंथ गिवन है 24, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया फिगर से सारा गिवन डेटा। अगर देखें तो अब यहाँ पर हम देखिए क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम अबव गिवन फिगर, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ पर एंगल एम अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है हमें, 90 डिग्री दिख रहा है। देखिए ये वाला एंगल एम यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 90 डिग्री है। तो इट मीन ये ट्राइंगल हम क्या बोल सकते हैं, एल एम एन ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सो द ट्राइंगल एल एम एन इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइड एल एन इज द हाइपोटेनियस, ठीक है। क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें देखिए एल एन को हम क्या बोल सकते हैं, हमें दिख रहा है कि ये क्या होगा, हमारा हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि ये किसके अपोजिट है, 90 डिग्री के। जो 90 डिग्री के एंगल 90 डिग्री के अपोजिट होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो इसलिए एल एन क्या हो गया, हमारा हाइपोटेनियस हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, हमें यहाँ पर देखिए ये हमारा हाइपोटेनियस होगा तो एम एन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बेस हो जाएगा, और एल एम क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एक्स के लिए निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं आगे क्या लिखेंगे, वी नो दैट, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, देखिए हमें पता होना चाहिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस पता ही है क्या है, एल एन है, ठीक है। एल एन की लेंथ कितनी एक्स, और देखिए हमें यहाँ पर बेस भी पता है, बेस क्या हमारा एम एन है, उसकी लेंथ हम 24 पुट कर देंगे, और एल एम जो कि हमारी हाइट है उसकी लेंथ जो है ना 7, यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तीनों वैल्यू तो क्या हो जाएगा, देखिए एल एन का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन का स्क्वायर प्लस एल एम का स्क्वायर, ठीक है। तो एल एन का एल एन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें गिवन है एक्स है तो एक्स पुट कर दिया, एम एन की जगह हम 24 पुट कर सकते हैं, एल एन की जगह 7, ठीक है। यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 24 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है देखेंगे तो 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, 576 प्लस 49 हमारा कितना होता है, 625, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर 625 है तो ये इसका स्क्वायर होता है 25 का, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू अगर यहाँ से हम देखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे जो एक्स अननोन था उसकी वैल्यू हमारी 25 आ गई, इसीलिए हम लिख देते हैं, देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, हैंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 25, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।